हेलो व्यूअर्स, मैं श्रीमती आरती लाल, फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। आपको फैशन पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत फैशन पोर्टफोलियो कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि फैशन पोर्टफोलियो होता क्या है, उसमें कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत हम जोड़ना हमारे लिए आवश्यक है। फैशन पोर्टफोलियो होता क्या है? फैशन पोर्टफोलियो एक फोल्डर के रूप में या एक बॉक्स फाइल के रूप में या एक सिंगल शीट के रूप में, चार्ट के रूप में या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। और उसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं उन सब के बारे में हम अपने इंटरव्यूअर को बताना चाहते हैं, जब हम कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हम किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हम किसी हायर स्टडीज़ के लिए अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। फैशन पोर्टफोलियो जो होगा उसमें क्या दिखता है, क्या शो करता है, वो हमारी सारी स्किल्स जो हमें आती हैं, जो अभी तक हमने सीखी हैं उसके बारे में, या जो हमें स्किल्स मालूम हैं उसका एक रिफ्लेक्शन वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। दूसरा, एक्सपीरियंस, हमने क्या क्या किया है इस विषय में, इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या अध्ययन किया है, इसके बारे में हम उसमें जानकारी देना चाहते हैं। तो जो भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में हम उसमें सार स्वरूप हम उसमें बताते हैं। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, मतलब जब आपने डिज़ाइन डेवलप करे, आपने प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपने रिसर्च से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो जो भी उसमें किया है वो सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन प्रोसेस किस तरह से होती है। उसके बाद ये आपका एक पर्सनल डिज़ाइन अप्रोच को भी दर्शाता है। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हर व्यक्ति का एक अपना अप्रोच होता है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगी इस चीज़ को बनाने के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि उस डिज़ाइन जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उसको डेवलप करने के लिए आपकी पर्सनल डिज़ाइन अप्रोच क्या रही है। लास्ट, क्रिएटिविटी, कोई भी पोर्टफोलियो आपकी जो भी आपका क्रिएटिव आपकी थिंकिंग है वो आपका उसका रिफ्लेक्शन होता है। जितने बेहतर आकर्षक रूप से, कलात्मक रूप से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उतना ही इंटरव्यू लेने वाले को या देखने वाले को आपकी कलात्मकता के बारे में या जो सृजनशीलता आपकी है, जो आपके इनोवेटिव माइंड है आपका, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि फैशन पोर्टफोलियो हम जब बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या जोड़ना ज़रूरी है। तो जब हम कुछ भी चीज़ पढ़ के आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या बेस्ट आता है उसको हम वहाँ पे इंक्लूड करें, पहला। दूसरा, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे होते हैं पूरे अध्ययन के दौरान, मगर हम उसमें से कोई 3 से 5 जो मुख्य हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम उसमें लगाएं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास एक लिमिटेड समय है, उसको आपकी पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो बेस्ट है वो आपको क्वालिटी वाली चीज़ें उसमें दिखाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसे आपकी बारे में पहले से कुछ नहीं मालूम है, उसे ये नहीं मालूम है कि आपने क्या क्या सीखा है। तो आप जो उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपका कलेक्शन, आपका काम, आपकी थिंकिंग स्किल्स, वो सारा कुछ उसमें क्लियर कट उसको दिखना चाहिए। तो इसलिए हमें पूरी कोई भी जो हम प्रोडक्ट बताएं उसमें उसकी रिसर्च से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके सारा डेवलपमेंट उसमें उसको दिखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि पोर्टफोलियो जो है आपका, वो आपका एक एप्लीकेशन के रूप में है। जब हम कहीं जाते हैं जॉब के लिए, हम एप्लीकेशन डालते हैं, तो फर्स्ट में आपकी स्क्रूटनिंग हो जाती है कि वेदर यू आर एलिजिबल या नहीं। तो इसी प्रकार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जैसे ही देखता है इंटरव्यूअर, तो वो ये जानना चाहता है और वो समझ जाता है कि उसे आपको इसमें कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो आपका स्क्रूटनिंग जो लेवल है आपके पोर्टफोलियो पे काफ़ी हद तक बेस्ड होता है। जो पोर्टफोलियो में जो कंटेंट उसे समझ में नहीं आते हैं उसी पर वो आपके साथ ज़्यादा डिस्कस करता है। पोर्टफोलियो हर जॉब के लिए आपको अलग अलग तरीके से बनाना है।
अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा के बाद आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 4-5 तरह के मुख्य रूप से फील्ड्स खुलती हैं, जिसमें आप एक डिज़ाइनर टीचर डिज़ाइन टीचर के रूप में काम करते हैं, या आप एक कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम करना चाहते हैं, या आप एज अ मर्चेंडाइज़र जॉब में जाते हैं, या आप स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए आप स्टूडेंट के लिए जाना चाहते हैं। ये चारों पाँचों रूप में आपका पोर्टफोलियो जो है उसकी डिमांड अलग अलग होती है। जैसे आप पोर्टफोलियो बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी स्टडीज़ के लिए या हायर स्टडी के लिए आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, इस चीज़ का अध्ययन करिए कि जॉब की या स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करिए और उन्हीं स्किल्स को हाईलाइट करिए जो उस जॉब के लिए या उस अध्ययन के लिए अति आवश्यक हैं। अब हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या जुड़ना चाहिए है। तो अगर ये आपका जो पोर्टफोलियो है फैशन पोर्टफोलियो, वो आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस को क्रिएटिव रूप से दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है, तो आपकी पूरी डिज़ाइन प्रोसेस जो आपके दिमाग में थी और आपने उसको कागज़ पे उतारी है, तो ये जो इंटरव्यू ले रहा है या जो देख रहा है उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और इसके लिए उसमें आपको मुख्य बातें जो जोड़ना चाहिए किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप 5 प्रोजेक्ट लेते हैं तो 5ों के लिए ये बातें आएंगी, जिसमें आएगा रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट फर्स्ट। रिसर्च मतलब आप जो भी टॉपिक को लेके काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने जो भी अध्ययन किया है वो आपको 1 या 2 शीट में बताना चाहिए। मान लीजिए आप अगर ताजमहल के ऊपर आपने इंस्पिरेशन आपका है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप ताजमहल से जुड़ी हुई जितनी भी आपको जानकारी है वो रिसर्च आपको उसमें डालना चाहिए। मान लीजिए आप बंधेज को लेते हैं इंस्पिरेशन, तो बंधेज के बारे में जो जो भी आपकी जानकारी है, रिसर्च आपने जो जो करी है, कौन सी किताबों में से पढ़ा है, वो सारी चीज़ें भी आप नोट करिए, जिसे आप एंड में लगाना चाहिए। तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद डिज़ाइन डेवलपमेंट, मतलब आपके दिमाग में डिज़ाइन डेवलप करने के लिए क्या क्या थॉट्स आए, वो सारे थॉट्स भी आपके उसमें दिखने चाहिए। जब फिर मूड बोर्ड आएगा, मूड बोर्ड आपकी क्या क्या होना चाहिए मूड बोर्ड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और काफ़ी बच्चे इस चीज़ में जाके कंफ्यूज होते हैं कि इंस्पिरेशन क्या है और मूड बोर्ड क्या है। तो मूड बोर्ड बेसिकली आपकी जो आपने गारमेंट बना, जो आपका प्रोडक्ट बनना है या जो रेंज आप बना रहे हो उसका कलेक्शन का एक प्रीव्यू है, आपका उसमें दिख जाना चाहिए कि आप आगे जाके किस तरह का आपका कलेक्शन बनने वाला है, उसमें वो मूड और उसमें वो फील आना चाहिए जो आपके कलेक्शन में है। लाइनअप मतलब आप स्केचेस बनाते हैं जिसको हम लोग जनरली रेंज भी कहते हैं, तो आपने जो कलेक्शन बनाया उसकी रेंज, मैं आगे डिटेल आपको इन सब के बारे में डिटेल में भी बताऊँगी। टेक्निकल ड्राइंग जो आपकी गारमेंट्स हैं उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स, फैब्रिक्स, कलर्स, प्रिंट्स एंड फोटोशूट, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। रिसर्च के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप हायर स्टडीज़ के लिए या किसी डिज़ाइन स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं किसी डिज़ाइन स्कूल में, तो वहाँ पे आपको रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट वाले पार्ट को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से दिखती है कि आप किस तरह से आपकी क्रिएटिव थॉट्स हैं आपके। दूसरा, आपकी माइंड में जो डेवलपमेंट होता है स्टडीज़ के साथ साथ, जब आप रिसर्च करते हो तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड की है वो भी प्रोसेस के दौरान जो होती है वो उसमें दिखने लगती है। और ये भी दर्शाता है आपका रिसर्च और डिज़ाइन डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो ये भी दर्शाता है कि आप एक ही जो थॉट आपके दिमाग में इंस्पिरेशन को देखते से ही जो फर्स्ट थॉट आया आप उस पर नहीं रुके हो, आपने रिसर्च करी और आपने अपने थॉट को भी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके गए और जो फिर उसमें से जो बेस्ट आपको लगा उसको आपने सिलेक्ट किया। तो रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से दर्शाता है, इसलिए ये डिज़ाइन सेक्शन में जब आप जाएं, चाहे आप डिज़ाइनर के रूप में, चाहे आप डिज़ाइनिंग स्कूल में, चाहे हायर एजुकेशन में, जहाँ भी डिज़ाइनिंग पॉइंट आएगा वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। मूड बोर्ड, मूड बोर्ड ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको
उस मूड बोर्ड को देख के आपकी रिसर्च भी समझ में आती है, और आप कैसे जो आपने रिसर्च करी उसको आप किस तरह से कंक्लूड करके आपकी जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें आप किस तरह से लेके जाओगे, ये उस मूड बोर्ड में क्लियरली दिखता है। जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें कलर्स हैं, इसमें जो जैसे विंटर बर्ड इन्होंने लिया है तो उसने विंटर बर्ड का स्केच लिया है, उस स्केच को अलग अलग तरीके से डेवलप भी किया है, जो उसमें कलर्स हैं उसका कलर बोर्ड भी लिया है, इसी विंटर बर्ड के को डायरेक्टली अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है, कहीं सिर्फ स्केचिंग से करा है, कहीं स्केच प्लस प्रिंट लिया है, कहीं प्रिंट लिया है, कहीं एक ही कलर में उसको मोनो कलर प्रिंटिंग से उसको तैयार किया है, और विंटर के और जो जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको लगा कि पेड़ों में बर्फ़ जम गई है तो वो भी लिया है और उस चीज़ को गारमेंट में प्रिंट के रूप में लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत क्लियरली दिखना चाहिए कि आपने किस तरह से रिसर्च पे काम किया है, और एक क्लियर स्टोरी आपके रिसर्च से लेके गारमेंट तक की दिखना चाहिए। और ये भी दिखना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी बस वही वही दिखाए, इट शुड बी influenced and reproduced with the research work. आपने रिसर्च करी तो जो जो आपने अध्ययन किया उसका सारा उसमें सार उसमें दिखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप कलेक्शन बनाएं तो उसका मूड जो होता है वो आपके मूड बोर्ड में दिखना चाहिए, और उसकी फील जो है वो भी आपके मूड बोर्ड में दिखना चाहिए। सिल्यूट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी हम गारमेंट्स की बात करते हैं, तो आपके सिल्यूट्स भी उसमें काफ़ी क्लियर मेंशन होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इट इज़ लाइक अ प्रीव्यू ऑफ टेस्ट ऑफ द कलेक्शन, जो भी आपका कलेक्शन है वो किस टेस्ट का रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, उसका एक प्रीव्यू है जो आपके मूड बोर्ड में दिखता है। मूड बोर्ड के बाद हम समझेंगे लाइनअप या रेंज, जिसको हम लोग ज़्यादातर कहते हैं। ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये आपके जो कलेक्शन है उसका इलस्ट्रेटेड रूप है जो हम बनाते हैं। आपने फैशन इलस्ट्रेशंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, और आपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पढ़ा है, तो आप आइदर कोई भी चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रेंज को इलस्ट्रेट करके वहाँ दिखाइए। पर्सनल स्टाइल इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रेजेंटेशन रेंज के लिए अलग होगा, वो आपका अपना क्रिएटिविटी और आपका स्टाइल है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। टेक्निकल ड्राइंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी प्रोडक्शन जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको टेक्निकल ड्राइंग्स के बारे में बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी स्पेसिफिकेशन शीट्स बनती हैं और जो भी वर्क होता है, जो सिलेक्शन ऑफ मशीनरी होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिचेस होता है, वो सब कुछ इस टेक्निकल ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन शीट पे ही निर्भर करता है। तो अगर आप प्रोडक्शन जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल ड्राइंग वाले पार्ट को भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए। ऑल्दो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकल ड्राइंग ये जिसको हम स्पेक्स भी कहते हैं वो थोड़े उन्हें बोरिंग लगते हैं, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जो रेंज है, जो आपने स्केच करी है, वो उसका उसको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि इनके थ्रू ही आप ये बात बताते हैं कि आपको जो आपके दिमाग में आइडिया था, जो आपने इलस्ट्रेट किया, वो एक्चुअल में बनाना पॉसिबल है, आप उसको 2D में बना के दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में हम बना सकते हैं, और यही चीज़ शो करता है इंडस्ट्री में, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता, आपको उस चीज़ को एक्चुअल रियल लाइफ में प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है अगर आप टेक्निकल ड्राइंग्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। एक और बात जो मैं छूट गई बताना वो ये है कि इसमें आपको कलेक्शन शो करते हैं तो ये भी समझ में आता है कि क्या गारमेंट मिक्स एंड मैच करके पहना जा सकता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गारमेंट सब बनाते हैं और आप एक साथ अगर उन्हें बनाते हैं तो ये दर्शाता है कि ये चीज़ एक साथ पहनी जा सकती है मिक्स एंड मैच करके। जैसे आपको दिख रहा है ये जो गाउन दिख रहा है उसके साथ दो कोट बने हैं, दो टॉप बने हैं, तो
एक गाउन के साथ आप 5 तरह से ड्रेस पहन सकते हैं। आप अकेला गाउन भी पहन सकते हैं, गाउन के साथ आप दूसरा टॉप पहन सकते हैं, गाउन के साथ आप दूसरा एक और जो दूसरा टॉप है वो पहन सकते हैं, आप जैकेट्स बदल बदल के भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बताते हैं कि एक कलेक्शन में आप कितने वैरायटी ऑफ ड्रेसेस आप बना सकते हैं। तो इसलिए टेक्निकल ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो में। फैब्रिक्स अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्यों? क्योंकि अगर आपके फैब्रिक्स सही तरीके से आप नहीं बताते हैं तो आपका पोर्टफोलियो या आपका प्रोजेक्ट सही या एकदम गलत दोनों हो सकता है। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो एकदम गलत हो जाएगा, या आपने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिए कपड़े तो भी आपका पोर्टफोलियो गलत शो होगा। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सही तरह के फैब्रिक्स को वहाँ पर प्रेजेंट करें। आपके जितने भी कलेक्शन में जितने भी रेंज आपके फैब्रिक्स की आ रही है वो सारे आप वहाँ प्रस्तुत करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कलेक्शन में फैब्रिक्स जोड़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ये क्लियर दिखना चाहिए कि फैब्रिक सिलेक्शन के लिए आपने प्रोडक्शन करने से पहले अध्ययन किया है। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाया आपने, और उसके आप फैब्रिक्स लगाते हैं, तो जो भी इंटरव्यूअर रह रहा है या जो भी व्यूअर है आपके पोर्टफोलियो को, वो बहुत क्लियरली समझ पाता है कि पहले आपने प्रोडक्ट बना लिए, उसके बाद जो फैब्रिक्स आपने यूज़ करे उसको आपने फैब्रिक स्ट्रक्चर में लगा दिया। होना ये चाहिए कि आप विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स का अध्ययन करें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उनमें से कुछ फैब्रिक्स लेके आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह से आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फैब्रिक्स के। फैब्रिक्स जो भी आप लगाएं उसमें उनका रिलेशन आपके इंस्पिरेशन से ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपका इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड, आपका फैब्रिक सिलेक्शन, फिर आपके डिज़ाइन कलेक्शन, ये पूरा सिक्वेंशली लिंक्ड सबको समझ में आए। कलर्स जो होते हैं वो साइंस होता है, आपने पढ़ा है, इलस्ट्रेशंस में पढ़ा है आपने, आर्ट एंड डिज़ाइन में पढ़ा है, कई सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो जिसमें आप कलर्स को यूज़ करते हो। और कलर्स क्या होते हैं? इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दीज आर प्राइमरी कलर्स, और हमने रेड को येलो से मिलाया तो ऑरेंज बन गया, तो दिस इज़ कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर्स को जब मिलाते हैं तो वैरायटी ऑफ कलर्स हमको मिलते हैं, तो दैट इज़ अ साइंस। तो हमें इसलिए कलर्स का सिलेक्शन बहुत स्किलफुली करना चाहिए, और हमारे पोर्टफोलियो में हमको वो सारे कलर्स लगाने चाहिए, और बहुत फाइन तरीके से कलेक्शन में कलर्स बनाने चाहिए जो हम अपने कलेक्शन में लगाने वाले हैं। तो जितने शेड्स या जितने टिंट्स आप यूज़ करने वाले हैं वो सारे शेड्स एंड टिंट्स को बहुत अच्छे से बना के आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करिए। उसके बाद प्रिंट्स, अगर आपका कलेक्शन है जिसमें प्रिंट्स यूज़ हो रहे हैं तो वो सारे प्रिंट्स आप उसमें जोड़िए जो आप कलेक्शन में डाल रहे हैं। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप प्रिंट्स खुद क्रिएट करें, क्योंकि वहाँ आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी। आपने बहुत तरह से प्रिंट बनाना सीखा है, आपने टेक्सचर्स बनाना सीखा है, प्रिंट्स बनाना सीखा है, डिज़ाइन प्लेसमेंट सीखा है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो आप उन सब को यूज़ करिए एंड ट्राई टू क्रिएट न्यू प्रिंट्स। आपके अपने प्रिंट्स क्रिएट करिए जो कोई और नहीं कर सकता, एंड दैट विल इंक्लूड, दैट विल इम्प्रूव योर व्हाट यू से प्रेजेंटेशन, कि आप बहुत सृजन हैं, आप बहुत क्रिएटिवली अपने प्रिंट्स को बनाते हैं, दैट विल बी योर प्रिंट। नेक्स्ट इज फोटोशूट। जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसको बहुत अच्छे से बताने का तरीका होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको शूट कर लें। आप अगर स्टूडेंट हैं, हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, तो हर कलेक्शन का आप एक एक ड्रेस जो आपको लगे आप उसको फ़ोटोशूट करिए, क्योंकि फ़ोटोशूट जो होता है वो आपके इंस्पिरेशन आपसे मिलता हुआ होना चाहिए, आपके मूड को रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होना चाहिए जो आपके मूड बोर्ड में, और आपका उद्देश्य जो है उसको एकदम क्लियरली दर्शाते हुए होना चाहिए। तो अदरवाइज़ एज अ स्टूडेंट बहुत महंगा होता है फ़ोटोशूट कराना, मगर हर कलेक्शन का आप एटलीस्ट वन फाइनल प्रोडक्ट को ज़रूर फ़ोटोशूट करवाएं।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जॉब्स में बताने के लिए, क्योंकि आपके जो कलेक्शन का जो आइडिया था वो कैसे आइडिया से लेके, जो कलेक्शन आइडिया से लेके आपका फाइनल प्रोडक्ट तक बनाया आपने स्केच में, वो एक्चुअल दिखने में कैसा बना और कैसा दिख रहा है, ये यहाँ से फोटोशूट से इंटरव्यूअर को या देखने वाले को पता पड़ता है। तो फोटोशूट अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेआउट, आपका पोर्टफोलियो का लेआउट कैसा रहे, ये आपका अपना क्रिएटिविटी है, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा क्लीन एंड क्लियर लेआउट रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेजी ना हो, बहुत सारी कंटेंट्स आप एक पेज में ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमको अगर अलग अलग जॉब के हिसाब से अगर बदलना पड़े तो हम उसे आसानी से बदल सकें। तो इतना अडेप्टेबल होना चाहिए आपका लेआउट कि आप अगर आप अलग अलग जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपने लेआउट को 19-20 चेंज करके आप पोर्टफोलियो को यूज़ कर सकें। फैब्रिक स्ट्रक्चर, अगेन जहाँ हमने फैब्रिक्स लगाए अब हमको फैब्रिक स्ट्रक्चर्स भी लगाना चाहिए। क्या होता है फैब्रिक स्ट्रक्चर्स, जितने हम फैब्रिक यूज़ करें उनका हम स्वॉच लगाएं। हमने कलर लगा लिया, हमने प्रिंट लगा लिया, अब हमें यहाँ चाहिए उसके स्वॉचेस लगाना कि हमने छोटे छोटे पीस उस फैब्रिक के करे और उसको हमने अपने पोर्टफोलियो में लगाया। एक तरीका ये भी है कि आप स्केच कर दें, मैंने दोनों यहाँ दर्शाया है, आप ड्रॉ कर दें या आप फैब्रिक स्वॉचेस लगा लें कि हम कौन कौन से अपने पूरे कलेक्शन में कौन कौन से फैब्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं। ये सारी चीज़ हमने तैयार करी तो अब एक फैशन डिज़ाइनर के लिए पोर्टफोलियो क्या हुआ, हमने अपना पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया तो अब हम ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो एक फैशन डिज़ाइनर के लिए क्या होता है। पोर्टफोलियो इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, मतलब ये एक आपका बहुत ही मजबूत हथियार है जिससे आप सामने वाले को ये दर्शाने की कोशिश करते हो कि आपको क्या क्या बहुत अच्छे से आता है, आपकी जो लर्निंग है, जो आपने सीखा है, चाहे आपने पॉलिटेक्निक से सीखा है, चाहे आपने किसी डिज़ाइन स्कूल से सीखा है, चाहे आपने निफ्ट से सीखा है। पोर्टफोलियो हर किसी को बनाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द सेशन। तो जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हो तो किसी भी लेवल के स्कूल से आपने काम किया हो, मगर आपका पोर्टफोलियो ये दर्शाता है कि आपने उस स्कूल में क्या क्या सीखा और आपको क्या क्या बहुत अच्छे से आता है। पोर्टफोलियो बनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है क्योंकि ये क्रिएटिव है। एनी आर्ट कैन नॉट बी बाइंडेड इन अ बाउंड्रीज। आप किसी भी प्रकार के आर्ट को सोचो कि हम एक सीमित दायरे में बंद कर दें, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर व्यक्ति अपने तरीके से बताता है, तो सब कुछ सही है। द ओनली थिंग इज़ कि जो आपने बनाया है वो आपको प्रेजेंट करते आना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि वो आपका काम है। दूसरा, हर जॉब के लिए आपको अलग अलग तरीके से इसको बनाना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम पोर्टफोलियो जब बनाने जाना शुरू करेंगे तो हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, हम कितने प्रकार से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो पहला है बॉक्स पोर्टफोलियो, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक बॉक्स के अंदर आपके पास अलग अलग शीट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स पोर्टफोलियो। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी आपको दिख रहे हैं। पॉजिटिव है, क्रिएटिव रूप से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और अपडेट करना बहुत आसान है। जो शीट आपको निकालना है आपने बाहर कर दी, जो शीट ऐड करना है आपने ऐड कर दी। मगर ये अगर आपने व्यवस्थित तरीके से नहीं जमाया इंटरव्यू में जाने से पहले तो बहुत मैसी हो जाएगा। मैसी मीन्स कि अप एंड डाउन हो जाएगा। आपने अगर फर्स्ट के बाद सेकंड शीट, थर्ड शीट कंटिन्यूसली तरीके से नहीं अरेंज करी तो जब आप वहाँ प्रस्तुत करने लगेंगे तो आपका ऊपर नीचे अगर है शीट तो वहाँ पे आपकी वो अनसिस्टमेटिक रवैया जो है वो अच्छे से दिखने लगेगा। तो आप चेंज भी कर सकते हो, क्लियर कट आइडिया नहीं होता है ऑर्डर ऑफ द वर्क कि आपने कौन सा पहले किया, कौन सा दूसरा किया। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और आप प्री प्रिपरेशन के साथ ही किसी इंटरव्यू में जाएंगे। दूसरा है लीफलेट पोर्टफोलियो, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये समझने में बहुत आसान होता है, अपडेट करना भी आसान होता है, आप लीफलेट चेंज कर सकते हैं। इसमें बस एक ही होता है कि जो भी हम शीट बनाते हैं वो एक लीफ के अंदर चली जाती है, प्लास्टिक शीट के अंदर चली जाती है।
तो जो फील आता है किसी चीज़ को हाथ से छू के अगर हम फील दिखाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो यहाँ नहीं आ पाता है। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि हर शीट के ऊपर आपकी एक प्लास्टिक फिल्म का कोट होने से एक एक समान लुक सा दिखने लगता है, ग्लॉसी इफेक्ट हर शीट के ऊपर आ जाता है, तो जो टेक्सचर का फील होता है अलग अलग वो नहीं पता पड़ पाता है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कई बार, तो इसको आपको बहुत क्रिएटिवली प्रेजेंट करना पड़ता है। तीसरा है, अगर आप लूज शीट रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अलग अलग लूज शीट बनाएं और आप ऐसे ही लेके चले जाएं, मगर अगेन ये बहुत मैसी होगा क्योंकि आपको बहुत तैयारी से जाना पड़ेगा और आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सामने को सीक्वेंशली सामने वाले को प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका बहुत ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पॉजिटिव वो है कि ये ईजी टू अपडेट होता है, आप जब चाहें जो शीट बदल के अपडेट कर सकते हैं, और आप इसको एक अगर आप एक बॉक्स फाइल में बना लेते हैं, बॉक्स फाइल में लूज शीट लगा के बनाते हैं, तो आप क्लियर कट ऑर्डर में भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर इट। प्रिंटेड बुक में भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मगर ये एक्सपेंसिव होगा, प्रिंटिंग होगी तो एक्सपेंसिव होगा, और इसको अपडेट करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि आप डेवलप करते हो, रेगुलरली आप डेवलप हो रहे हो, तो आप चाहोगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को भी इम्प्रूव करो, मगर आपने एक बार प्रिंट करा लिया तो उसको फिर से अपडेट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए ये स्टूडेंट लेवल पे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं लोग बाग। इसके पॉजिटिव्स बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं, नेचुरली अगर बुक फॉर्म में है तो बहुत ऑर्गेनाइज दिखेगा, सिक्वेंशियल दिखेगा, प्रोफेशनल दिखेगा, और समझने में भी आसान होगा क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे जो आप जनरली पोर्टफोलियो में नहीं लिखते हैं। जो आज की तारीख में चल रहा है वो है ऑनलाइन पोर्टफोलियो, बहुत चल रहा है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं मगर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत स्किलफुल तरीके से बनाना पड़ता है। ये इसका फ़ायदा ये है कि बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो आप, आपको पता पड़ा कि बॉम्बे से कहीं डिमांड आई है, आपने ऑनलाइन अपना भेज दिया, और बहुत जल्दी से आप भेज सकते हो, बहुत आसानी से भेज सकते हो, ये फ्री होता है, किसी को भी देना आपके लिए कोई आपको कॉस्ट नहीं लगती है, और इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। इसमें आप मूविंग इमेजेस भी डाल सकते हो, मतलब जो आपने गारमेंट बनाया उसको आपने मॉडल को पहनाया, आपने उसका वीडियो शूट किया और आपने उसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपका एक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें ये होता है वो है कि इसमें क्रिएटिव जो लुकिंग आप हर बार ऐड ऑन कर सकते हो, वो अगेन अगर आप फिर से करना चाहोगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, कुछ इसके फिक्स फॉर्मेट्स हैं उसी में आप बनाते हो तो, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, अगर आप किसी और से बनाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो हैंड फील भी नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया जैसे फिल्म लग जाती है तो हैंड फील नहीं आता है, उसी प्रकार ये अब स्क्रीन पे दिखेगा तो किसी भी टेक्सचर का जो हैंड फील होता है, फैब्रिक का जो हैंड फील होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थॉट प्रोसेस के लिए, वो इसमें नहीं आता है। तो हम ये कहेंगे कि कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो बहुत जल्दी में ना बनाएं, समय लें, सोचें कि आपको क्या क्या दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या दिखाना है और किस तरह से दिखाना है। आपके सारी स्किल्स के बारे में पोर्टफोलियो कहता है, इसलिए हमें बहुत स्मार्टली और क्लैरिटी के साथ एकदम क्लियरली अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी फैशन पोर्टफोलियो क्या है, और मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने इस सेमेस्टर के एंड में बहुत अच्छे से तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो अगर हम समराइज़ करें, आज हमने क्या क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसा में क्या दिखना चाहिए, तो हमने बताया स्किल्स, एक्सपीरियंस, डिज़ाइन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइन अप्रोच जो आपकी है वो, और क्रिएटिविटी उसमें दिखना चाहिए। फिर हमने उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट पढ़ा, मूड बोर्ड पढ़ा, रेंज, टेक्निकल ड्राइंग्स पढ़ी, फैब्रिक, कलर, प्रिंट एंड फोटोशूट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, पोर्टफोलियो डिज़ाइनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अपन ने पढ़ा, और कितने प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, बॉक्स में, लीफलेट में, लूज प्रिंट, लूज शीट में, प्रिंटेड में या ऑनलाइन, तो इतने प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, आप खुद अपना पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनाना है इस पर डिसाइड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का
फिफ्थ सेमेस्टर में अगर हम पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट कैसे करें, ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप एक असाइनमेंट लें जिसमें आप अभी तक आपने फोर्थ सेमेस्टर में जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें से आप लिस्ट आउट करें कि कौन कौन सी बेस्ट स्किल्स हैं जो आपको आती हैं और आप उसको पोर्टफोलियो में प्रेजेंट करना चाहते हो, इसको आप लिस्ट आउट करो। तो ये आपका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो जाएगा, आप खुद सोच पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने सीखी हैं मगर कौन कौन सी चीज़ें मुझे बेहतरीन तरीके से आती हैं और जो मुझे दिखाना है। एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, तो मैच करें अगर हम कॉलम तो फैशन पोर्टफोलियो क्या दिखाता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप करके देख सकते हो। तो फैशन पोर्टफोलियो क्या दिखाता है, तो यहाँ एक्सपीरियंस दिखाता है। फैशन पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, तो रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट होना चाहिए। टेक्निकल ड्राइंग्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्रोडक्शन जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मूड बोर्ड क्या है, तो प्रीव्यू ऑफ टेस्ट ऑफ द कलेक्शन है। और फोटोशूट क्या है, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स को दिखाता है। तो मैंने फिर ये इसमें आंसर भी लिख दिए हैं नेक्स्ट शीट में, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम सोचते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे हम, तो आपको मैं छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। आपने पूरे 2 साल के कोर्स में, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो 2 साल में आपने फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक बहुत सारी स्किल्स सीखी। जब आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, वो आपको स्टार्ट करा देगा। अब आगे हम एक एक्सप्रेसिव और इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ जो स्किल्स होती है उनको बहुत अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमको एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो, इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। दीज आर सम सजेस्टिव रीडिंग्स, आप चाहें तो कुछ बुक्स हैं उनके बारे उनको भी देख सकते हैं, और कुछ यूट्यूब्स में हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।